नमस्ते, मेरा नाम सौम्य अग्रवाल है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम लिटिल जेम्स इंडिया अकेडमी जूनियर हाई स्कूल है। आज मैं आप सभी के सामने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर कुछ कोटेशन सुनाने जा रही हूँ। इट्स अक्टूबर 2, बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन एवर बॉर्न इन इंडिया। लेट सल्यूट द ग्रेट सोल। आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। बी द चेंज दैट यू विश to see in the world. In a gentle way, you can shake the world. कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि कुछ लोग जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। Non-violence is not to be used ever as the shield of the coward. It is the weapon of the brave. कमजोर किसी को माफ नहीं कर सकते, माफ करना मजबूत लोगों की निशानी है। मेरा मन मंदिर है, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। मौन सबसे सशक्त भाषण है, इसलिए मौन रहिए, धीरे धीरे पूरी दुनिया आपको सुनेगी। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है, खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। इफ वी वॉन्ट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक और वैबौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। अपनी बुराई हमेशा सुने, अपनी तारीफ कभी ना सुने। ट्रुथ इज वन, पाथ्स आर मैनी। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू एंगर। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। एक सच्चे कलाकार के लिए सिर्फ वही चेहरा सुंदर होता है जो बाहरी दिखावे से परे आत्मा के सुंदर साहित्य चमकता है। प्रेयर इज द की ऑफ द मॉर्निंग एंड द बोल्ट ऑफ द इवनिंग। द गुड मैन इज द फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।